हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा टिकटॉक पर अभी जो ट्रेंड चल रहा है स्काई चेंज, बिजली जो कड़क रही है सनम पे, हाँ इश्क पे। हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी वीडियोस बहुत ही आसानी से आप लोग किस तरह से रेडी कर सकते हो वो मैं आज आपको इजी में करके दिखाने वाला हूँ। कल भी मैंने एक वीडियोज़ डाला था, बहुत अच्छे खासे मुझे उस वीडियो पर रिस्पॉन्स मिले, ठीक है, आप लोगों का बहुत प्यार मिला। लेकिन उस वीडियो पर बहुत से लोगों का ये भी कमेंट्स है कि भाई हम लोग जो इस वीडियो को रेडी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, दिमाग की दही हो गई है, कुछ भी हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, काइन मास्टर को डाउनलोड नहीं कर पा रहे, सब कुछ आज की इस वीडियो में तुम्हारा भाई तुम लोगों के लिए क्लियर करने वाला है, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला है, ठीक है। सो वीडियो को कंप्लीट देखते रहो, स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूँ ताकि आप लोग आसानी से कर पाओ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर आता हूँ। तो गाइस, इस तरीके के वीडियोस को रेडी करने के लिए आपके फ़ोन में दो एप्लीकेशन होना ज़रूरी है, काइन मास्टर एप्लीकेशन और वीडमेट एप्लीकेशन, ठीक है। सो गाइस, ये दोनों एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो तो जाकर अभी डाउनलोड कर लो। अगर आप लोगों को डाउनलोड करने में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप वीडियो के लास्ट में जाइए, तो वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊँगा किस तरह से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस, बहुत से लोग मुझे कल से कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है काइन मास्टर का वाटर मार्क आ रहा है, तो मेरे भाई लोग मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उधर से जाके डाउनलोड कर लो, फ्री वाला है एंड प्रीमियम वाला फील आ जाएगा, ठीक है। तो जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक के, वीडियो के लास्ट में करके भी दिखाऊँगा किस तरह से आप लोगों को डाउनलोड करना है, ठीक है। सो गाइस, अभी मैं आप लोगों को प्ले करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके का वीडियोज़ को सबसे पहले आपको शूट करना है। सो गाइस, अभी आप लोगों ने जिस वीडियो क्लिप्स को देखा है आपको कुछ इस प्रकार का एक वीडियो को शूट कर लेना है। जब भी आप लोग इस तरीके का वीडियोस को शूट करेंगे तभी आपका जो शर्ट और पैंट का कलर है वो व्हाइट और स्काई ब्लू कलर का ना हो, ठीक है। सो गाइस, अभी क्या करना है आपको, सिंपली काइन मास्टर को ओपन करना है। गाइस, मुझे बहुत से लोगों ने कॉमेंट्स की है कि काइन मास्टर में लेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा है और क्रोमा की भी हम लोग नहीं कर पा रहा है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, हमारे डिस्क्रिप्शन में से जाकर डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कीजिए, इंस्टॉल करने के बाद ओपन कीजिए, ओपन करने के बाद आपसे कुछ परमिशंस मांगेगी जिसको आपको अलाउ करना है और एक छोटा सा 5 मिनट का प्रोसेसिंग होगा, तो आपको उस प्रोसेसिंग को कंप्लीट होने देना है, ठीक है। अगर आप लोग उस प्रोसेसिंग को कैंसिल कर दोगे तो क्रोमा की लेयर का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। सो गाइस, सिंपली अभी आपको क्या करना है, इस प्लस के बटन पर क्लिक करना है, 9.16 का फ्रेम को आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सो गाइस, करने के बाद सिंपली आपको मीडिया पे क्लिक करना है, ठीक है। सो गाइस, मीडिया पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको कैमरा पर जाना है एंड जो वीडियो को आपने जो वीडियो को आपने शूट की है आपको सिंपली उस वीडियो के इधर पे डाल देना है, ठीक है। सो गाइस, कुछ इस तरह की से डाल देना है। अभी मुझे इसके बेकार का हिस्से को मुझे क्या करना है, कट करना है, ठीक है। सो ये रहा बेकार का हिस्सा, तो अभी मैं इसे इधर से कट लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगी इधर से कट और मैं इसके पीछे जाता हूँ तो मुझे इस इधर से भी मुझे कट करना है, ठीक है। सो ये हो जाएगा। अभी मुझे देखना है कि मुझे किधर से स्काई को चेंज करना है, आपको वीडियो को स्टार्टिंग से प्ले कर लेना है, ठीक है, और आपको जिधर से आप लोग को स्काई चेंज करना है आपको उधर पर स्टॉप करना है वीडियो को। सो मुझे इधर से चेंज करना है तो सिंपली मुझे इस वीडियो के ऊपर क्लिक करना होगा, कैंची के ऊपर क्लिक करना होगा, स्प्लिट एट प्ले अहेड, ठीक है, प्ले अहेड थर्ड पे जो ऑप्शन है सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। सो ये पार्ट अलग हो जाएगी, ठीक है। अभी सिंपली आपको क्या करना है मैं आप लोगों को बता दूँ, सिंपली आपको इस पार्ट के ऊपर क्लिक करना है, स्पीड कंट्रोल के ऊपर क्लिक करना है, थोड़ा सा आपको स्लो कर लेना है, ठीक है, ताकि वीडियो आपका जो है कूल लगे। एंड अभी क्या करना है, फिर से आपको इसके ऊपर क्लिक करना है एंड कलर फिल्टर पे जाना है,
उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, नीचे की तरफ आना है, ब्लू कलर का जो फिल्टर है उसके ऊपर को आपको चूज़ करना है ग्रीन कलर का, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, स्क्रॉल करना है, कलर एडजस्टमेंट पर जाना है, आपको इसे पूरा आसमान को जो है आपको ग्रीन कर देना है, ठीक है। सो अभी मैं आसमान को पूरा ग्रीन कर देता हूँ। सो अभी आप लोग देख सकते हो आसमान पूरा ग्रीन हो चुका है, ठीक है। तो सिंपली अभी आपको राइट के बटन पे क्लिक करना होगा। दोस्तों एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, जब भी आप लोग इस तरीके का वीडियोस को शूट करोगे तभी आप किसी दूसरे फ़ोन से साउंड को प्ले करके उसके बाद आप इस वीडियो को शूट करो तो वीडियो आपका और भी अच्छा होगा, प्रॉपर होगा, ठीक है। सो गाइस अभी आपको क्या करना है, सिंपली आपको शेयर के बटन पर क्लिक करना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। सो गाइस बहुत से लोगों ने ये भी कमेंट की है कि भाई हमारा जो फ़ोन से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। सो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों के फ़ोन पुराने वर्जन है यानी कि 2 साल 3 साल पुराने हैं, उनके फ़ोन में ये काइनमास्टर वर्क नहीं करती, तो सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको नए किसी फ़ोन से कर लेना है, ठीक है। सो गाइस सिंपली अभी आपको क्या करना है, सिंपली बैक करना है। बैक करने के बाद आपको फिर से प्लस के बटन पर क्लिक करना है। 9.16 का जो फ्रेम है सिंपली आपको उसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपको मीडिया पे क्लिक करना है, एंड अभी मैं जो वीडियो को यूज़ करूँगा सिंपली आपको उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एंड लास्ट में आपको बताऊँगा किस तरह से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस सिंपली आप लोगों को डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना होगा, ठीक है। सॉरी दोस्तों डाउनलोड के ऊपर नहीं, जो वीडियो भी मैं डाल रहा हूँ उसको आपको डाउनलोड करना होगा। वो किस तरह से आप लोग डाउनलोड कर पाओगे वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। सो टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा है, तो मुझे क्या करना है थोड़ा सा कट कर लेना है। सो ये कट हो जाएगी। अभी दोस्तों क्या करना है, सिंपली आपको इस वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, मिडिल पे क्लिक करना है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ किधर पे क्लिक करना है। सिंपली आप लोगों को एक सेकेंड इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इसे जूम करना है, ठीक है। मैं आप लोगों को अच्छे से करके दिखा देता हूँ। उसके बाद आपको लास्ट पोजीशन को भी एंड पोजीशन को भी आपको चूज़ करना है, एंड उसे भी आपको कुछ इस प्रकार से जूम कर लेना है, ठीक है। सो ये जूम हो जाएगी। अभी आपको क्या करना है, आपको लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। आपने जिस वीडियो को अभी एक्सपोर्ट की है सिंपली आपको उस वीडियो को डालना है। फिर से आपको इस वीडियो के ऊपर क्लिक करो, मिडिल पर इस ऑप्शन पर क्लिक करो, एंड फुल स्क्रीन कर दो, ठीक है। सो ये स्क्रीन फुल हो जाएगी। सो हमारा जो वीडियो था वो आधा से ज़्यादा हो चुका है। सो अभी आपको क्या करना है, इसके ऊपर वो थंडर वाली इफ़ेक्ट डालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका ग्रीन स्क्रीन को क्रोमा की कर लेता हूँ। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करो, स्क्रॉल करो, क्रोमा की पे क्लिक करो, इनेबल करो, एंड की कलर को चेंज करके ग्रीन कर दो। तो ये जो क्रोमा थी वो क्रोमा है वो अभी हो जाएगी। सो अभी आप लोग देख लो हमारा जो वीडियो था वो काफ़ी अभी ज़्यादा कूल अभी लग रहा है, ठीक है। सो अभी आपको क्या करना है, इस वीडियो के अंदर अभी आपको फिर से लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है, और ये जो वीडियो है इस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिधर से आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, एंड आप अपने वीडियो को काफ़ी ज़्यादा कूल भी कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस एक सेकेंड मैं वीडियो को एक बार प्ले कर लेता हूँ, एंड देख लेता हूँ कहाँ से इस वीडियो को मुझे डालना है, ठीक है। सो उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। सो एक सेकेंड यहीं का भी मैं रख सकता हूँ क्योंकि ठीक ही लग रहा है, ठीक है। एक सेकेंड मैं इसको और एक बार प्ले करके देखूँगा, उसके बाद ही मैं इसको ऐड करूँगा, ठीक है। शायद कल मैंने इस यहीं से ट्राई की थी या फिर यहीं से होगा। एक सेकेंड मैं इसको प्ले कर लेता हूँ। चलो मिल गई। सो गाइस इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा है, बस आपको कट कर लेना है कुछ इस प्रकार से, एंड उसके बाद आपको लगा डालना है, ठीक है। सो गाइस मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरह से आपको लगानी है, ठीक है। सो गाइस ये जो वीडियो है मैं एक बार और एक बार प्ले कर लेता हूँ। चलो ठीक है। सो गाइस सिंपली आपको इसे बस कुछ इस प्रकार से आपको इसे जूम कर लेनी है, ठीक है। सो गाइस जूम कर लेने के बाद सिंपली आप लोगों को एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है।
सो जब भी आपको इस तरह की सबको करना होगा, उसके बाद क्या करना होगा, सिंपली आप लोगों को नीचे की तरफ आना होगा, अल्फ़ा एंड ओपेसिटी आप लोगों को दिख रहा होगा, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा एंड आपको धीरे धीरे करके बस इसे थोड़ा सा कम कर देना है, ठीक है। 70% आप लोग कर दीजिए एंड उसके बाद वीडियो को एक बार प्ले करके देख लेते हैं। सो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो वीडियो जो था वो काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा था, ठीक है। अभी आप इसके अंदर म्यूज़िक डाल सकते हो, वो मैंने कल की वीडियोस में बताई थी कि आप लोग किस तरह से डाल सकते हो इस वीडियो पे म्यूज़िक, या तो फिर आप डायरेक्ट टिकटॉक पर भी अपलोड कर सकते हो, साउंड को चूज़ करके इस वीडियो को अपलोड कर सकते हो। और एक बार प्ले करके मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, देख लो एक बार और, ठीक है। तो ये जो वीडियो था ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी सिंपली आपको शेयर के बटन पे क्लिक करना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, तो ये वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। सो गाइज अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जितनी की टूल्स मैंने यूज़ की है, काइन मास्टर वीडियो सभी के सभी टूल्स आपको किस तरह से डाउनलोड करनी है। सो गाइज काइन मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, आपको फर्स्ट में ही लिंक मिल जाएगा, सिंपली आपको उसे ओपन कर लेना है। सो गाइज ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस आ जाएगा, सिंपली आप लोगों को स्क्रॉल करना है, आई एम नॉट ए रोबोट के ऊपर क्लिक करना है, क्लिक हियर टू कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। सो गाइज उसके बाद फिर से आपको स्क्रॉल करना है, 10 से 11 सेकंड तक आपको वेट करना है एंड इधर पे गेट लिंक आ जाएगा। सो गाइज एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, आज की इस वीडियो में आप लोगों को इसके बाद दिखाने वाला हूँ कि इस तरह से आप लोग वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो, जो जो वीडियोस मैंने यूज़ की है वो वीडियोस आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हो, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखो। सो गाइस उसके बाद आपको सिंपली गेट लिंक ऊपर क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद आपको धीरे धीरे स्क्रॉल करना है, नीचे की तरफ आ जाना है, ठीक है। सो गाइस नीचे की तरफ आ जाओ एंड इधर पर आप लोगों को आई एम नॉट रोबोट मिल जाएगा, सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक करो, क्लिक हियर टू कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करो, स्क्रॉल करो, 10 से 12 सेकंड तक आपको इधर पे भी वेट करना होगा, ठीक है। सो वेट कर लो दोस्तों, इस वीडियो को एडिट करने के समय अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और नेम और यूज़र नेम है ऑफिशियल जेटस्टर साहिब। सो गाइस सिंपली आप लोगों को गेट लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है, सो इस तरह से काइन मास्टर का प्रो वर्जन आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। सो गाइस ये तो हो गया काइन मास्टर, अभी मैं आप लोगों को दिखा दूँ वीडमेट को आप लोग किस तरह से डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस वीडमेट के ऊपर सिंपली वीडमेट लिंक के ऊपर सिंपली इस तरह से क्लिक करो, जैसे जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया है काइन मास्टर को डाउनलोड करना है, सिंपली आप लोग उस तरह से काइन मास्टर को भी वीडमेट को भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस अभी मैंने जितनी भी टूल्स यूज़ की है, अभी उन सारे टूल्स को डाउनलोड कैसे करेंगे, सिंपली आपको यूट्यूब को ओपन कर लेना है एंड ओपन करने के बाद सिंपली आपको सर्च बटन पर क्लिक करना है और आपको इधर पे सर्च करना है नाइट स्काई बैकग्राउंड वीडियो, ठीक है, नाइट स्काई बैकग्राउंड वीडियो आपको सर्च करना है। सो गाइस सबसे फास्ट में आपको जो वीडियो मिलेगा यही वाला वीडियो मैंने यूज़ की है, सो आपको इसे क्या करना है, सिंपली आपको इस 3 डॉट पे क्लिक करना है, शेयर पे क्लिक करना है, शेयर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है एंड धीरे धीरे नीचे पे लेकर आना है, आपको नीचे पे मिल जाएगा, एक सेकेंड दिखा देता हूँ, डाउनलोड वीडियो, सो आप इधर से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद क्या सर्च करना है, उसके बाद आपको सर्च करना है THUNDER थंडर स्काई, एक सेकेंड, थंडर स्काई इफेक्ट वीडियो, ठीक है। सो आपको इस तरह से सर्च करना है। सो गाइस सर्च करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है, सो आपको इधर पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप लोग देख सकते हो इस तरीके के वीडियोस आप लोगों को बहुत मिल जाएंगे एंड जो भी वीडियोस आपको पसंद आता है उस वीडियो को आप लोग शेयर करके वीडमेट से डाउनलोड कर सकते हो एंड उसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि मैं आप सभी के लिए हमेशा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता हूँ।